हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिलीट रिचार्ज हिस्ट्री इन पेटीएम। पेटीएम में अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से अपनी रिचार्ज हिस्ट्री को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। पहला ऑप्शन यहाँ पे जीमेल के थ्रू बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे जीमेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस देके लिखेंगे नंबर का कॉलम। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए और आपको बताने के लिए 12345 लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ डिलीट माय रिचार्ज हिस्ट्री इन पेटीएम एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आपको नीचे स्पेस देके लिखना है थैंक्स एंड वॉर्म रिगार्ड्स। ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे हम उसी से रिलेटेड लिखेंगे रिचार्ज हिस्ट्री डिलीट रिक्वेस्ट इन पेटीएम। ये लिखने के बाद आपको सबसे लास्ट में पेटीएम की जीमेल आईडी डालना है, वो उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक कर लेना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ईमेल चेक करने के बाद आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 24 आवर्स के अंदर आपकी रिचार्ज हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अपनी रिचार्ज हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पेटीएम के कस्टमर केयर से बात करना है। तो यहाँ पे जब आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहाँ आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और यहाँ पे रिचार्ज हिस्ट्री डिलीट करने का प्रोसेस पूछ सकते हैं। जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वहाँ से भी आप अपनी रिचार्ज हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ थर्ड ऑप्शन की। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। सेटिंग्स में जाके, सेटिंग में जाएंगे, क्लियर डेटा का ऑप्शन देखने मिलेगा, क्लियर डेटा कर देना है। जैसे ही आप क्लियर डेटा कर लेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एकदम न्यू और फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जब आप वहाँ पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपकी रिचार्ज हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग ऑप्शन बता दिया है जहाँ पे तीन अलग जगह से आप अपनी रिचार्ज हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा वाला ऑप्शन ट्राई करके अपनी रिचार्ज हिस्ट्री को डिलीट किया। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, जब मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।